अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबू सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी ह्यूज राइज इन पीएसएक्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ आईएमएफ बेल आउट। क्या बात है जी, मेजर साहब आज निकाल कर लाए एक नई खबर पाकिस्तान के हवाले से। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, बीच में चाइना और पाकिस्तान का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया जहां पे जम्मू और कश्मीर का जिक्र था और बैकग्राउंड उसका था, कॉन्टेक्स्ट उसका था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत ने ऑब्जेक्ट करा, भारत ने बोला यार ये जो जमीन है ये तो भारत की है, ये तो अवैध कब्जा है इस पे पाकिस्तान का, तो ये पूरा मैटर ही झोल है इसमें। और ये भारत का पुराना स्टैंड है, आज का नहीं, बहुत पुराना स्टैंड है ये। स्टैंड भारत का जो है ये 1947-48 का पुराना है। तो फिर पाकिस्तान ने ये बोला कि नहीं साहब, भारत कैसे ऑब्जेक्ट कर सकता है, भिखारियों को देखो, भारत कैसे ऑब्जेक्ट कर सकता है, भारत का तो बनता ही नहीं है। एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड, जम्मू एंड कश्मीर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये एक अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट है, इस पर तो मतभेद है पूरी दुनिया में, ये तो डिस्प्यूट है और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है जैसा कि पाकिस्तान कहता है, तो मेरे दो पॉइंट हैं। जिन्ना क्यों भंड मार के गया था कि ये पाकिस्तान की शारग है, ये तो डिस्प्यूटेड लैंड है, तुम्हारी शारग कैसे हुई? और अगर डिस्प्यूट, अगर जैसा आप कह रहे हो कि डिस्प्यूट है, हमारी तरफ से डिस्प्यूट नहीं, हमारी तरफ से एब्सोल्युटली क्लियर है। और हम गोरों से पैसा नहीं लेते कि हम कागज दिखाएं कि यूएन में क्या लिखा है और अमेरिका क्या कह रहा है, हम गोरों से पैसा नहीं लेते, हम खुद कमाते हैं, कम कमाएं तो कम खाते हैं। तुम लोगों मोटी मोटी गर्दनों वाले, मोटे मोटे पेटों वाले लाहौरिये जिनको भीख मांग के भी खाना है लेकिन खाना पूरा है, तो डोंट टेल अस कि किस गोरे ने क्या लिखा किस चैप्टर में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जम्मू और कश्मीर भारत का है, था, रहेगा। इसके पहले कि पाकिस्तान, 5000 साल पहले ऋषि कश्यप की स्टोरी है यार, कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप से आया है। इट प्रीडेट्स पाकिस्तान 100 times ओवर। क्या बात कर रहे हैं? खैर एनीवे, पाकिस्तान ने बोला कि ऐसा ऐसा है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। अगर डिस्प्यूटेड एरिया है तो तुम वो जमीन चाइना को क्यों बेच रहे हो भाई? गिलगित बल्टिस्तान भी तो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी तो है, जिसको आप बड़े फकर से आजाद कश्मीर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप बोलते हैं। अगर ये डिस्प्यूटेड है तो फिर आपने अलाउ कैसे कर दिया किसी तीसरी ताकत को वहां पे आके कि ठीक है यहां, जैसे फिर तुम्हारी जमीन है ही नहीं। क्या आपने कश्मीरियों से पूछा, जो वहां के कश्मीरी हैं जिनको आपने गुलाम बना रखा है, बंदी बना रखा है, मैं बात कर रहा हूं पीओके की, मैं बात कर रहा हूं गिलगित बल्टिस्तान की, क्या वहां के कश्मीरियों से आपने बात पूछी कि जनाब आपकी जमीन है क्या हम इस पर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आपने नहीं पूछा। रावलपिंडी से एक जनरल ने अपनी जेब में नोट डाले, इस्लामाबाद से किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जेब में पैसे डाले, बोला साइन करो बेचो सब कुछ, अब इनको कश्मीर याद आ गया, कहते इंडिया कैसे कर सकता है, इंडिया करेगा जो इंडिया को करना है, तुमसे पूछ के करना है इंडिया ने। ये देखो, द रेलिवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन क्लियरली स्टिपुलेट दैट द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस थ्रू द डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसिट कंडक्टेड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इन दैट बैकड्रॉप द इंडियन क्लेम्स ओवर जम्मू एंड कश्मीर आर टोटली अनफाउंडेड एंड मिसप्लेस्ड। एक तो झूठी कौम है पाकिस्तानी, झूठी कौम, फ्रॉडिया कौम, सी कैटेगरी की बी ग्रेड कौम, 420 लोग बिना किसी गैरत के, बिना इल्म के, बिना इज्जत के। और ये सबसे बदनसीब कौम भी है, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों से झूठ बोला है। ये अकेली वाहिद कौम है पाकिस्तानी कौम जो अपने बच्चों से झूठ बोलती है। इन्होंने अपने बच्चों को क्या बोला है? और पाकिस्तानी क्योंकि दिमाग से पैदल है और क्यों, क्योंकि मदरसा छाप है 99%, इसलिए उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में, और मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी ही मापदंड है पढ़े लिखे होने का, आप हिंदी पढ़िए, तमिल पढ़िए, तेलुगु पढ़िए, उर्दू पढ़िए, बंगाली पढ़िए, मराठी पढ़िए, जो पढ़िए, आप अपनी मातृभाषा में एक्सेलेंट हैं तो एक्सेलेंट हैं, उसका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं,
जितना पाकिस्तान बकवास करता है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, पूरे पाकिस्तान में एक इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है भाई, और फिर इतनी बकवास कर लेते हैं ये। समझ लो अगर एक इंग्लिश न्यूज चैनल होता तो मुंह से झाग निकल रहा होता इनके सवेरे शाम। अब सोचो इन्होंने अपने बच्चों को झूठ क्या बोला है सारे पाकिस्तानियों ने मिलकर, और ये तीन पुश्त के झूठे हैं, ये ऐसा नहीं कि एक पुश्त के झूठे हैं, ये तीन पुश्त से झूठ बोल रहे हैं कि एक ना एक चुनाव होना था जिसको इंतखाबात बोलते हैं, एक इलेक्शन होना है, यूएन आएगी, सारे कश्मीरियों को चाहे वो इस तरफ के हों उस तरफ के हों सारे कश्मीरियों को बोला जाएगा कि भाई इंडिया में टिक करो या पाकिस्तान में टिक करो। वो लोग वोट डालेंगे, जिसके ज्यादा वोट होंगे जम्मू और कश्मीर उसकी तरफ चला जाएगा। ये इन्होंने झूठ बोल रखा है अपने बच्चों से। बच्चे अपने बापों को झूठ बोलते हैं, माओं को झूठ बोलते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को झूठ बोलते हैं, जबकि इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा है तो फिर झूठ बोल रहे हैं ये सबसे। उसकी तीन शर्तें हैं। जो प्लेबिसिट की बात करते हो, जो आप लोग प्लेबिसिट की बात करते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है प्लेबिसिट, सबसे पहला जो प्लेबिसिट है जो होगा, सबसे पहला जो उसकी शर्त है प्लेबिसिट की, वो क्या है? पहली शर्त यह है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी, तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी नेवी, तुम्हारी एयरफोर्स, तुम्हारा फलाना, तुम्हारा डिमका, सब बोरिया बिस्तर लपेट के निकलो वहां से। यह पहली शर्त है, यह पहली शर्त है कि सारे के सारे पाकिस्तानी निकलेंगे वहां से जो कि सरकार के हैं, लोग रहे वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी शर्त है कि वहां पे फिर इंडियन आर्मी आएगी, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, इंडिया वहां की हुकूमत चलाएगी, वहां पे इंडियन आर्मी आएगी, बेर मिनिमम जो रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि वहां पे आपने 15 लाख 10 लाख लोग भर दिए, लेकिन हां जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है, वो इंडिया भेजेगी। उसके बाद वहां पर चुनाव होगा। ऐसा क्यों करा आपको पता है यूएन ने कि पाकिस्तान चुनाव करवाना, चुनाव करवा दो, इसमें इंडिया पाकिस्तान क्या है? ऐसा क्यों बोला यूनाइटेड नेशंस ने कि पहले पाकिस्तान हटेगा फिर इंडिया? क्योंकि उनको पता है ये लोग चोर हैं, इन्होंने धांधली करनी है। यही चीज इन्होंने इमरान खान के साथ करी। इन्होंने एक बंदे को जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलने थे उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। यही काम इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के साथ करा था बांग्लादेश में, वो जब जीत गया उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, उससे बोला कि तुम प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, तुम तो बंगाली हो। आप समझ रहे मेरी बात? ये लोग कश्मीर में भी यही करेंगे। ये बात यूएन को 1948 में पता लग गई थी कि कौम ऐसी है, ये इनका मॉरल कैरेक्टर है ही कोई नहीं। तो इन्होंने बोला साहब जब बिना मॉरल कैरेक्टर के इनको तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो बोला ठीक है रायशुमारी होगी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगी, सब लोग अपना वोट देंगे, लेकिन पहली शर्त यह है पाकिस्तान गेट आउट। पहली शर्त है उसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। पाकिस्तानी हमें कहते हैं आप क्यों नहीं करवा देते, क्यों नहीं करवा देते, क्यों नहीं करवा देते प्लेबिसाइट? अबे बेवकूफ के बच्चों निकलो तो वहां से, और पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो, मदरसे से निकलो, प्रॉपर स्कूल में जाओ, स्कूल में ABCD पढ़ो, उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन है वो पढ़ो, वो क्या कहता है, जिसका तुम लोग 76-75 साल से हवाला दे रहे हो, ठीक है, वो कहता क्या है ये तो समझो। निकालो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार, इंडियन आर्मी को आने तो हम करवाते हैं प्लेबिसिट कश्मीर में, निकलो पाकिस्तानी फौज। ये सब यार मैं, मुझे इतना खराब लगता है पाकिस्तानी बच्चों के लिए। जो भी पाकिस्तानी बच्चे हैं मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूं, बेटा अब्बू और अम्मी ने तुम्हें झूठ बोला है बेटा, जो भी बोला है पाकिस्तान के बारे में सब फ्रॉड है बेटा, सब 420। अच्छा दूसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है 78,801 पॉइंट हिट करा, और बल्ले बल्ले हो गई पाकिस्तान में, लोगों ने खूब पैसा कमाया। लेकिन दोस्तों आप हंसेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि उनका स्टॉक क्यों हिट करा। कुछ कारण होता है ना, कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, कोई कुछ फैक्टर्स होते हैं, कोई नया शेयर आता है मार्केट में, इकोनॉमी बूम करती है, कुछ ऐसा होता है जिससे कि स्टॉक मार्केट में हलचल आ जाती है और टॉप ब्रैकेट हिट करती है। होता है, भारत में भी होता है, जैसे भारत में अभी भी पता लगा कि स्टॉक मार्केट हिट एन ऑल टाइम हाई, मोदी जी की सरकार बन गई टाक से, जब पता लगा कि मेजोरिटी नहीं मिल रही नीचे गिरी, जैसे ही पता लगा शपथ लेंगे टाक ऑल रिकॉर्ड्स।
पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज ने इसीलिए ऑल टाइम हाई हिट करा क्योंकि यह पता लग गया कि आईएमएफ लोन देने वाला है। यह कैसा मुल्क है यार, तुम्हारा स्टॉक मार्केट लोन पे डिपेंडेंट है कि तुम्हें लोन मिलेगा तब जाके कुछ होगा, खुद कुछ नहीं करना तुमने, स्टॉक मार्केट भीग के पैसे से चलाना है। आई एम सो शॉक्ड, आई एम सो सरप्राइज्ड एंड आई फील सो सैड टुडे। यार हमने कुछ तो गलत करा है इंडिया वालों ने कि भगवान ने हमें श्राप दिया है कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी होंगे तुम्हारे, ऐसे नालायक निकम्मे ऐसे पड़ोसी हैं तुम्हारे और तुमने कुछ गलत काम करा है बेटा पहले, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें ऐसे पड़ोसी। इनका प्रधानमंत्री लिखता है, पहले प्रधानमंत्री लिखता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोन मिल गया आईएमएफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे तुम्हें कोई भीख देता है तुम उसमें भी शुक्र कर रहे हो अल्लाह का? तुम्हें यह करना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 और बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया है जहां पर गोरा आ रहा है अपना इलाज करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब टेलीविजन मैन्युफैक्चर हो रहा है, पाकिस्तान में मोबाइल फोन बन रहे हैं, पाकिस्तान में गाड़ियां बन रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया हमें। हद्दी हो गई यार। जी तो व्यूअर्स, वीडियो में देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की और दूसरा सीपैक मंसूबा कश्मीर पे। कश्मीर पे जो पाकिस्तानी अपना स्टैंड रखते हैं कि भारत वहां पे हक के राय देही इस्तेमाल करने का हक क्यों नहीं दे रहा कश्मीरियों को, वहां पे रेफरेंडम क्यों नहीं करवा रहा, सादा जबान में इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहा ताकि वो अपना हक चुन लें, वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। ये हमने वाकई में सुना, हमने भी पढ़ा, हमने भी, और आज तक हम भी इसी पर ही कायम व दायम हैं। अभी ये 3-4 साल जो गुजरे हैं इनसे पहले पहले तक हम भी यही सोचकर चल रहे थे, यही मानकर चल रहे थे, लेकिन आज का अगर टाइम देखें तो टाइम बदल चुका है, जिंदगी क्योंकि बदल चुकी है इंडियन साइड कश्मीर पर लोगों की, और उसी को लेकर हमारा भी नजरिया चेंज हो गया है क्योंकि लोग देखेंगे अपने लिए सानिया, किसी को कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से, किसी को कोई मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो हमारा फायदा है, नहीं बिल्कुल, ये सिर्फ वो जो नजरिया है ना जो मुस्लिम मुस्लिम वाला, वो भी यहाँ पे दम तोड़ता हुआ नजर आता है। अगर आज जो है जहां है ऐसे ही रेफरेंडम करवा दिया जाए तो यहां वाले भी जो कश्मीरी हैं वो वहां मिलना पसंद करेंगे जहां पे दूध और शहद की नहरें हकीकत में बह रही हैं, और वो कहां है, वो इंडियन साइड कश्मीर में है। और जो जो यहां पे दिखाया जाता है हमेशा पीटीवी हमारे पे कि वहां पे जुल्म हो रहा है, वहां पे लोगों को रोजाना भी मार दिया जाता है, वहां लोग कर्फ्यू में जी रहे हैं, वहां पे ऐसे हालात हैं वैसे हैं, उन हालातों पे 95% कंट्रोल पा लिया गया है और वहां पे अमन और सुकून ला दिया गया है मोदी हुकूमत की तरफ से, और लोग ये जरूर देखते हैं। ये इस तरह के जो मामलात हैं पाकिस्तान साइड पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिंदगी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सबसे जो पहली चीज इंसान को चाहिए जो रोजगार अपना पेट पालने के लिए वो नहीं है। अब मैं जब हम जाते हैं कभी ऐसे इलाकों में तो वहां की जो सूरत हाल का अंदाजा सही बेहतर तरीके से हो सकता है कि बनिस्बत सिर्फ हम मीडिया की नजरों से देखें उसको, तो वहां के लोगों आप देखें पिछले साल अगर जो वहां पे सैलाब आया ये जो मौसमियाती तब्दीलियों की बिना पर, तो जो हमारा ये सवात का इलाका केपीके का, ये अभी कश्मीर नहीं है, कश्मीर का सेम हालात है, कट गया रास्ता और वो तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर का रास्ता है जो वहां को जो हमारा एरिया है कलाम का उसको मिलाता है केपीके से सवात से, तो जब वो कट गया तो उनका तो रोजगार टूरिज्म से है, तो लोगों कहता है कि यहाँ फाकों तक की नौबत आ गई। आप देखिए इतने यहाँ पे लोग रहते हैं, कमाई उनके पास क्या है, और सिर्फ एक ज़रात है और ज़रात पहाड़ों पर आपको पता है कितनी को होती है, दूसरा जानवर पाल कर वो गुजारा करते हैं तो वो भी कितना गुजारा कर लेंगे। असल चीज़ है वहाँ पे टूरिज्म का जाना, जब टूरिज्म वहाँ पे जाते हैं लोग, और जितना भी टूरिज्म है 95% वहाँ पाकिस्तानी ही जाते हैं, और वो पंजाब और कराची और इस्लामाबाद इस तरह के सिटीज से वहाँ पे जाते हैं,
तो वही उनके लिए रोजगार का जरिया बनता है। जब उनका रास्ता ही कट गया तो कौन आएगा वहां पे? अब ये हुकूमत के दरवाजे पर कहते हैं हम टकरे मारते रहे, यहाँ की जो एसोसिएशन बनाई गई है वो टूरिज्म की उनकी, वो जाते रहे और यहाँ मिन्त तरले क्या से क्या नहीं किया, वहां पे एहतजाज धरने और एक खबर तक नहीं कहता हमारी बाहर आने दी इन लोगों ने और कोई काम नहीं किया। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि अगर हमने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना ना, तो फिर हमें खुद से करना पड़ेगा। वो एक फिल्म की तरह जिस तरह वो पहाड़ों में खुद के अकेला बंदा रास्ता बना देता है, तो कहता फिर हम सब ने मिलकर वहां पे रास्ता बनाया ताकि लोगों के लिए वो रास्ता खुल सके। सड़क तो नहीं बना सके लेकिन उन्होंने पत्थरों को हमवार करके लोगों के लिए वहां पे रास्ता बना दिया। और उन्होंने इन पाकिस्तान हुकूमत को शर्मिंदा करने के लिए पहाड़ों पर लिख लिख कर लगा दिया है कि इसमें पाकिस्तान हुकूमत का कोई रोल नहीं है केपीके का, ये हमने खुद अपनी मेहनत और अपनी मुशक्कत से खुद बनाया है और बड़ी शर्म की बात है। और फिर हम वादे करें, नारे लगाएं, कश्मीर रेफरेंडम होगा, कश्मीर आ जाएगा, जो यहाँ पे रह रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो केपीके में हैं, जो यही हाल हमारे कश्मीरी साइड का भी है, वहाँ पे भी टूरिज्म की वजह से ही लोगों में थोड़ी जिंदगी है, नहीं है तो बिल्कुल सब बेकार है, कोई रोजगार नहीं है उन लोगों के पास भी, ना कोई तालीम है, ना कोई सेहत है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई एयरपोर्ट है, लेकिन फिर भी करवा दें जी रेफरेंडम, सारे के सारे मिल जाएंगे। क्या है यहाँ पे ऐसा जो आप लोगों के पास मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के टाइम पे अगर रेफरेंडम करवा दिया जाए तो फैसला दूसरी तरफ गया है, क्योंकि वहां देख रहे हैं लोग कि महंगाई कहाँ पे नहीं है, सहूलियत कहाँ पे मिल रही है, लोगों की जिंदगी कहाँ पे बेहतर है, ये आज सबको नजर आता है सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरी बात रही ये IMF का पैकेज मिला, इस वजह से हमारी स्टॉक मार्केट जो है अच्छा प्ले कर रही है। देखिए मैं खुद हैरान हूँ क्यों अच्छा प्ले कर रही है, लेकिन ये IMF का पैकेज मिलने से नहीं। अच्छा नहीं कर रही, ये जब से नई हुकूमत आई है ये तब से ही हमारी स्टॉक मार्केट अच्छा प्ले कर रही है, और ये एक अच्छा साइन है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी गवर्नमेंट का लोगों और कारोबारी लोगों पर एतमाद होता है और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लोग, हम तो यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर सुनते थे डूब गए, अरबों डूब गए लोगों के, मर गए बेचारे ताजिर और इन्वेस्टर मर गया, यहाँ पे कोई नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा। लेकिन ये जब से नई हुकूमत आई है तब से जो हमारी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये जो 78,000 का जो हिंसा है, ये इसमें जो जंप लगा है ये थोड़ा सा जंप और लगा है। IMF बेल आउट पैकेज जब मंजूर हुआ है तब से इतना ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ ये कहेंगे इसी वजह से ये परफॉर्मेंस आई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ग्राउंड पे हमने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए जिसकी वजह से ये बहुत ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी दुआ तो है कि ऐसे ही चलता रहे, चीजें बेहतर हों, लेकिन उसके लिए सॉलिड रीजंस चाहिए, ग्राउंड पे काम होता हुआ नजर होना चाहिए, नए इन्वेस्टर आने चाहिए, नए कारखाने लगने चाहिए, नई मंडियां निकलनी चाहिए, इन्वेस्टर को पूरा एतमाद होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं। लेकिन यहां के हालात जैसे अभी सवाद वाला किस्सा हो गया है, ऐसे हालात देखकर तो कौन आएगा यहां पे इन्वेस्टमेंट करने, डर ही लगा रहता है कि ये जो बुलबुला सा बना हुआ है स्टॉक मार्केट का ये भी कहीं फट ना जाए। बिल्कुल ऐसी है, देखिए कि अगर हम मुल्की हालात देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो अदारे हैं, वो ही नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम जो है उसके लिए कुछ किया जाए। वो कोई ऐसा मंसूबा लाते ही नहीं है जिसमें अवाम का फायदा हो, वो मंसूबा ही वो लाते हैं जिसमें वो उन अदारों के जो अपने कारखाने हैं उनका फायदा हो, उनके अपने जो है वो बैंक बैलेंस बढ़े, उनकी अपनी जेबों में जो माल जाए, वो मंसूबे ही वो लाते हैं। वो अवाम के लिए कभी भी कोई भी मंसूबा नहीं लाते, अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए कभी कोई इन्होंने जो है मंसूबा ऐसा नहीं लाया। जब से मैंने वो संभाली है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसे इलाकों में जो है इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो कि जो अवाम कहे कि नहीं भाई ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे हक में है, ये जो हमारे लिए कुछ कर रही है, हमारे लिए कुछ कर रही है, हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है उसके लिए कुछ ये सोच रही है तो ये गवर्नमेंट करेगी। लेकिन नहीं, ये वही कुछ करती है जो इनके अपने मुफाद में हो या इनके अपने कारखानों के मुफाद में हो, वही इन्होंने काम करने हैं, वही प्रोजेक्ट लगाने हैं। और एक प्रोजेक्ट पे फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपया लग रहा है ना, तो वो 9 करोड़ में जाके मुकम्मल भी नहीं, 9 करोड़ लग जाएगा मुकम्मल फिर भी नहीं होगा, उसमें करप्शन इतनी कर देंगे क्योंकि वो कहाँ जाएगी, वो सारे इनकी पॉकेट मनी बनेगी, इनकी बच्चों की पॉकेट मनी बनेगी जिन्होंने बाहर वाले मुल्कों में दूसरे मुल्कों में जाके अजैशियां करनी है, वो कहाँ से करनी है, ऐसे ही करनी है, ऐसे ही प्रोजेक्ट लगाने हैं जो
मुकम्मल ही नहीं हो गए, तीन तीन दफा उसके पैसे जो है वो कर्जा ले लेके, IMF से कर्जा ले लेके वो उस पे जो है पैसे लगाएंगे, लेकिन वो मुकम्मल फिर नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये जो हमारी नई हुकूमत बैठी है इसमें बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर ऐसे हैं कि वो खुद जो है ताजिर जो है इन पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये हुकूमत आएगी तो हमारा कोई सोचेगी, ये हुकूमत जो है ये जो ताजर है उनके लिए ये बहुत ही कारामद है, वो ताजर ही। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए जैसे आप मोदी साहब की हुकूमत आई है लोगों को एक एतमाद था, हाँ, और उस दिन जिस दिन एग्जिट पोल आया था उसी दिन ही बिल्कुल हाई जंप लिया था हुकूमत ने, जिससे रिजल्ट आए कि डाउन जा रही हुकूमत और फिर धड़ाम से एक दम नीचे गिर गई। लेकिन जिस तरह फिर हुकूमत लोगों को एतमाद आ गया, हुकूमत बन गई तो जबरदस्त। और दूसरी साइड पे अगर यहाँ पे हुकूमत आ जाती इंडिया अलायंस की राहुल गांधी की दूसरी, तो फिर भी ये बहुत बड़ा झटका लगना था स्टॉक मार्केट को, क्योंकि लोगों का एतमाद नहीं होता ऐसी हुकूमतों पर। और यही रहा है पिछली हमारी एक नई हुकूमत आई थी उसमें, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी एक ना तजर्बाकार सी हुकूमत थी और उनके अपने ही शोशे थे, अपने ही उनके काम थे, और उसमें स्टॉक मार्केट ऐसे लड़खड़ा कर रहती थी, डॉलर रुपया रोज हाईली जंप लेता था और 10-10, 12-12 रुपए एक दिन का डॉलर बढ़ जाता था, लेकिन हमारे कानों तक जू नहीं रिंगती थी क्योंकि हमारी हैंडसम सरकार थी। और रोजाना घबराना मत, घबराना पहली बात है, आपने नहीं है पहली बात, आप अगले 6 महीने और 6 महीने करते और भुरकस ही निकाल दिया पूरे पाकिस्तान का। लोगों को एतमाद होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट ही है जो लोगों के लिए काम करेगी। बिल्कुल है, इसी वजह से ये जो स्टॉक मार्केट है ये थोड़ा सा इसमें जो है बिल्कुल जी, ये सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट किस वजह से ऊपर जाती है और किस वजह से नीचे आती है, क्योंकि जब ये यहाँ पे पिछली हुकूमत जो नाअहल हुकूमत थी उसको जब गिराया गया था उस वक्त भी हमारे DGISI का वो बयान आया था कि देखिए जी कि जब नाअहल हुकूमत जाती है तो जो अहल हुकूमत आती है तो फिर हर चीज जो है ना ऊपर जाती है, डॉलर भी कम होता है, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाती है। और फिर जो पिछले जो 1.5-2 साल थे वो सब ने देखा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और फिर से अब सबको पता है कि गवर्नमेंट किन की बननी थी और किसकी बनी है। चले बन गई है, बहुत अच्छी बात है, पिछले 30 साल से इनके पास तजर्बा है, और ऊपर से ये भी अच्छी बात है कि जिसने इनके लिए जो धरने देने थे वो भी जेल में बैठा हुआ है, नाअहल निकम्मा जो है वो जेल में बैठा हुआ है, और आज ये 5 साल मुकम्मल भी करेंगे और उसके ऊपर जो है ना वो सारी चीजें करेंगे, तो उससे जो है ना पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ आएंगे, ये सारा कुछ करेंगे, उसी पे बात कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर जो है ना कश्मीर पे बात करें तो भाई IMF के ऊपर भी बात हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर ही बात हो रही है, बात ही नहीं हो रही। तुम तो इमरान खान का रोना लेकर मैंने तो इमरान खान का कहा ही नहीं, तो नाअहल निकम्मा बैठा हुआ अंदर। अब तो मैं कह रहा हूँ अहल लोगों की हुकूमत है और 5 साल ये पूरे भी करेंगे, और उसके बाद इनके पास जो है ना वो रोना धोना धोने के लिए भी कुछ नहीं होगा कि हमें कुछ करने नहीं दिया गया, क्योंकि इस वक्त जो सारे चीजें लाने वाले भी और ये आने वाले भी सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, और इस वक्त भी था, और ये सारा चीजें बहुत अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको करना चाहिए, आज इनके पास मौका है कि ये अपना जो है ना वो कर दें जो पिछले 30 साल में नहीं कर पाए, और अवाम को जो है ना उनका एतमाद बहाल करें ताकि अवाम इनको वोट दे और ये फिर किसी नाअहल निकम्मे का नाम ही ना ले, क्योंकि अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिर उनका नाम कौन लेगा, वो खुद ही जो है ना जेलों में ही मर खप जाएंगे। तो चीजें यही हैं, इनको चाहिए अपनी नाअहलियों पर जो पैछे हो चुकी हैं वो हो चुकी, सबने देखा हुआ है कौन नाअहल है कौन नहीं है, अब इनके पास मौका है कि ये कश्मीर के ऊपर भी डेवलपमेंट करें, कश्मीर को भी बेहतर करें, बलूचिस्तान को भी बेहतर करें, पाकिस्तान को बेहतर करें, और जहां पे कमियां रह गई हैं उनको दूर करें, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट की बात हो, किसी मुल्क की भी गवर्नमेंट हो, उसको अपनी नाहलियों पर काबू पाना चाहिए, जहां पे कमियां रह गई हैं अवाम को रिलीफ देना चाहिए ताकि अवाम उनके गुनगाती रहे, जिस तरीके से आज वो गवर्नमेंट कर रहे हैं उनको चाहिए और बेहतरी जाए। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट भी ऊपर जानी चाहिए, हमारी मोशत भी ऊपर जानी चाहिए, आम लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, एक गवर्नमेंट का यही काम होता है। और यही कहना कि भाई हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है और क्रेडिट के ऊपर जो है ना नीचे ग्राउंड के ऊपर कुछ नजर भी ना आए, तो ये फिर सारे लोग समझते हैं कि ये क्या है और किसी ये पानी का जो बुलबुला है उसके अंदर हवा कैसे भरी हुई है, स्टॉक ये सबको नजर आता है, आम लोगों के उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, उससे जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है वो आम लोगों तक वो नजर आ ही रही है कि चीजें जिस तरह से सस्ती हो रही है, बिल्कुल, और जिस तरह से
47% 55% तक महंगाई पहुंच गई थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो अब कम होकर वो भी इमरान खान के दौरे 17% तक नीचे आ चुकी है। और जब नहलों अच्छी बात है तो वो किस तरह बेड़ा करते हैं, महंगाई में कमी आनी चाहिए, दो चार सालों में ही तबाही फेर देते हैं। और जब हम किसी अहल हुकूमत को चुनते हैं जिन पर लोगों को एतमाद हो तो फिर उसके असरात भी लोगों तक नजर आना शुरू हो जाते हैं, और जो आ भी रहे हैं हमें नजर आ रहे हैं। अगर किसी अंधे को नहीं नजर आ रहे तो ये एक अलग से आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए।